दोस्तों, खूबसूरत दिखने की चाह स्किन के साथ साथ हमें अपने बालों के लिए भी बहुत होती है। कई बार हम बालों को स्टाइलिंग में चेंज करते रहते हैं, हेयर स्टाइल अच्छा सा लेते हैं या कोई अच्छा सा हेयर कट लेते हैं या फिर हेयर कलर यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ जिससे आप अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं एक नए लुक के साथ में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवी के टिप्स, और मैं हूँ रेखा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक कलर ट्यूब का आपको रिव्यू, जो कि हाइलाइटिंग कलर ट्यूब है एंड ये है स्ट्रिक्स का। इसका रिव्यू बैग में आपको बताने वाली हूँ। ये एक हाइलाइटिंग ट्यूब है एंड इसका जो कलर नंबर है वो है गोल्डन ब्लॉन्ड 7.3। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और हाइलाइटिंग ट्यूब है ये। आप इसको, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉन्ड है तो आप इसको स्कैल्प में यूज नहीं कर सकते, बट अगर किसी को पूरा ग्लोबल हाइलाइटिंग चाहिए और स्कैल्प में अगर रूट टचअप करना चाहता है तो उसके लिए फिर डेवलपर चेंज होगा। एक्चुअली इसको जब भी हम हाईलाइट करते हैं तो हम 40 वॉल्यूम के साथ में करते हैं, जो हमारा डेवलपर यूज करते हैं। बट अगर कभी आपको रूट टचअप करना है गोल्डन हाइलाइटिंग के साथ में, अगर इस कलर को आप एज ए पूरा ग्लोबल कलर करना चाहते हैं तो फिर आप 20 वॉल्यूम यूज़ करें, क्योंकि स्कैल्प में उसे लगना होता है। अगर हम हाइलाइटिंग सिर्फ अपने बालों में करते हैं तो स्कैल्प में उसका कोई काम नहीं, फिर आप उसको 40 वॉल्यूम से कीजिए। तो यहाँ पर मैं इस ट्यूब के साथ मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, मैं आपको बता दूँ कि मैंने 40 वॉल्यूम लिया है, बट मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्स का नहीं लिया है। जनरली हम जिस कंपनी का ट्यूब यूज़ करते हैं उसी कंपनी का हम डेवलपर भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का 40 वॉल्यूम यूज़ किया है। और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि, मतलब मैं बता रही हूँ कि मैट्रिक्स का 40 वॉल्यूम यूज़ करने के बाद भी मुझे रिजल्ट सेम वही मिला है जो मैं स्ट्रिक्स का यूज़ करती हूँ डेवलपर उसके बाद में जो आता है, तो बहुत ही अच्छा है। एंड इसकी आउटर पैकेजिंग आप देखिए, ये प्रोफेशनल कलर है, आर्गन सीक्रेट्स के हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। अगर आप मैट्रिक्स और लॉरियल का करवा चुके हैं हाइलाइटिंग, तो एक बार स्ट्रिक्स का भी आप जरूर ट्राई करके देखें। और मैं आपको अंदर की इसकी पैकेजिंग भी दिखाती हूँ कि कलर ट्यूब कुछ तो इस कलर का ये ट्यूब है। और इसमें जो इसका जो मिक्सिंग रेशियो है इसके डेवलपर के साथ में वो 1:1 का होता है, यानी कि आपने जैसे कि ट्यूब 60 ग्राम का है और अगर आप 30 ग्राम यूज़ करते हैं, मैंने इसको पूरा 30 ग्राम यानी पूरा आधा ट्यूब किया है, तो मैंने 30 ग्राम का ही डेवलपर यूज़ किया है। मिक्सिंग रेशियो जो है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए, तभी आपका कलर आता है। कई लोग बोलते हैं कि कलर नहीं आता हाइलाइटिंग करने पर, तो वो उस कंडीशन में होता है कि या तो आपने बहुत सारा कलर करवाया होता है या फिर आपने बहुत सारा हीना करवाया होता है, हीना ट्रीटेड हेयर होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपके बालों पे वो नेचुरल कलर नहीं आ पाता हाइलाइटिंग का जो आना चाहिए। इसके लिए बेटर रिजल्ट अगर आप लाना चाहते हैं तो आप ये कलर ट्यूब के पहले अपने बालों को जो है ब्लेंडर करें। ब्लेंडर से पहले आप जो इसका जो आता है उसको पहले आप पूरा अपना जो बालों का मेहंदी वो निकाल लीजिए, उसके बाद में फिर इस कलर ट्यूब को अगर आप यूज़ करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएगा, काफ़ी अच्छा कलर आएगा। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो बहुत महंगा नहीं है, इसका जो प्राइस है वो 140 है इसका, सॉरी 160 इसका MRP है। और ये MRP पर ही मिलता है, मुझे तो MRP पर ही मिला है। और इसका डेवलपर जो है, डेवलपर भी इसका कॉस्टली ही आता है, बट अभी मेरे पास था तो मेरा काम चल गया। और बहुत ही अच्छा कलर ट्यूब है। अगर आप अपना पार्लर रन कर रहे हैं, अगर आप खुद के ऊपर सेल्फ भी हाईलाइटिंग करना चाहते हैं, तो आप बहुत आराम से इस कलर ट्यूब के साथ में कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैं इसके साथ में आपको दिखाऊंगी कि कैसा कलर आया है, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्यारा कलर है और कितना अच्छा गोल्डन ब्लॉन्ड आया है इसका। आपको कलर मिलेगा इस ट्यूब के साथ में जो अभी आपने छोटे से वीडियो में देखा। मैंने इसे अपने एक कस्टमर पे किया था और उसका ये रिजल्ट था, इस तरीके से इसका कलर आया है। मेरी जो कस्टमर थी उसके थोड़े से हीना ट्रीटेड बाल थे तो कलर उतना उभर कर नहीं आया। एक्चुअली मैंने उसमें प्रीलाइटिंग नहीं की, अगर मैं प्रीलाइटिंग कर देती तो शायद और भी ज़्यादा ब्लॉन्ड दिखता, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए मैंने प्रीलाइटिंग को यूज़ नहीं किया। डायरेक्टली हमें इससे ही कलर मिल गया, जो कलर हम चाहते थे वो कलर हमें मिल गया उससे। तो काफ़ी अच्छा कलर ट्यूब है और बहुत ही रिजनेबल है, और सबसे बड़ी बात कि लोकल नहीं है, ये बिल्कुल ब्रांड है
और बहुत ही प्रोफेशनल कलर ट्यूब है। तो अगर आप अपने बालों को खूबसूरत सा लुक देना चाहते हैं हाइलाइटिंग के साथ में, तो एक बार इस कलर ट्यूब को और इस नंबर को गोल्डन ब्लॉन्ड शेड 7.3 को एक बार जरूर यूज करके देखिए और रिजल्ट मुझसे एक बार जरूर शेयर करें कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। और जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन को भी आप हिट कर दीजिए, इससे आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन इजीली मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ एक अच्छे से न्यू वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम, और बहुत ही जल्दी आऊंगी मैं। तब तक के लिए बाय बाय।